नमस्कार, जनबी न्यूज़ 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं परवेज अख्तर, आज मैं मौजूद हूं मुंबई में चकाला जेबी नगर। अभी हाल ही में आप कुछ दिन पहले देखेंगे कि सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट में जो है 4 राउंडिंग फायरिंग हुआ है, जो कि पता नहीं किसने कराया है तो मालूम नहीं। लेकिन आइए, हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई फिल्म एसोसिएशन कांग्रेस के सेक्रेटरी, आइए उनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर, अभी हाल ही में जो है सलमान खान के अपार्टमेंट में जो है फायरिंग हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक स्टार, एक सेलिब्रिटी जो इतना नामचीन है, जिनका इतना नाम है, अगर वो सेफ नहीं है तो आम जनता सेफ है क्या? जी जी। और अगर उनके उनके ये घर के ऊपर अगर फायरिंग हो रही है, यानी कितना बड़ा ये रिस्क है और कितना बड़ा टास्क है कि महाराष्ट्र सरकार कर रही क्या है। जी जी। एक सेलिब्रिटी के साथ ऑलरेडी बॉडीगार्ड्स है, उनके साथ गनमैन है, उसके बाद 5 राउंड का फायरिंग हो रहा है। जी जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब है कि मुंबई शहर एक सपनों का शहर बोला जाता है। जी जी जी। तो अभी ऐसा हुआ है कि मतलब यूपी और बिहार जी। हम उनको ब्लेम करके कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं जी। तो बहुत अफसोस की बात है कि बहुत दुख हुआ है सुन के, और उनके ऊपर सलमान, ये सलमान खान के ऊपर हर गरीबों का जी। बोलते हैं ना उनकी ये दुआएं है। जी जी। तो उनको ऐसा कुछ हो नहीं सकता, चाहे जितने भी दुश्मन रहे उनके ऊपर जो भी कोशिश करे वो कामयाब नहीं होगा। जी जी। तो सर एक्चुअली ये मसला जो है खड़ा होता है एक काले हिरण को मारने से। काला हिरण जो है उन्होंने बहुत पहले मार दिया था, उस मसला तो बहुत पहले का है। उसको लेके आज जो है दुश्मनी निभाया जा रहा है, ये सब डराया धमकाया जा रहा है, फायरिंग हो रही है, ये सही है आपके नज़र से या फिर गलत है? नहीं नहीं, एक्चुअली ये काले हिरण में से तो वो बरी हो चुके, तो जी उनके बाद ये खुद उनकी मतलब बोलते हैं ना जो इंसान है पब्लिक सिटी लेने के लिए उनके ऊपर फायरिंग करा रहा है। जी जी। और मतलब सही में अभी तो बहुत मुंबई में कोई भी सेफ है कि नहीं जी जी वो जानना मुश्किल हो गया है। सर सलमान खान बहुत अच्छे इंसान हैं, वो गरीबों की मदद भी करते हैं और हमेशा सबसे मिलते जुलते रहते हैं, उनसे लोगों का क्या दुश्मनी हो सकता है? हम लोग एक अपने टीवी यूनियन में जी हमारी सबसे मुलाकात होती है जी। सलमान सर से भी हमारी मुलाकात हुई है जी जी। वो इंसान मतलब मैंने एक एक्टर के जैसा कभी रहता ही नहीं है। हाँ जी। एक्टर के जैसा तो कभी रहता ही नहीं, और मैंने तो लाइव देखा हूँ, लाइव आप तो खाली सुने हो ना, हमने तो लाइव देखा कि लोगों को डायरेक्टली मदद करते हुए। जी जी। वो बोलते हैं ना गरीबों का मसीहा जैसे है जी जी। और अल्लाह ताला ने उनको शायद इसके लिए भेजा है, वो अभी लोग बोलते कि वो शादी नहीं करते, ये नहीं करते, क्या पता उनको लोगों का भला करने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये सरकार से मैं बोलते ना विनती करूँगा कि एक स्टार के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ना जाने और आम आदमी के साथ क्या होगा, और कितना ये खतरे वाली बात है ये। जी जी जी। 4 राउंड 5 राउंड फायरिंग घर के ऊपर। जी जी। यानी वो ये दिखाना क्या चाह रहे हैं जी? बहुत देखा जाए तो बहुत डेंजरस है ये दिन दहाड़े जो है इस तरीके का करना सर, ये इतनी सिक्योरिटी के बीच में इतने कैमरे लगे होने के बावजूद ये कहाँ से ऐसे लोग घुस जाते हैं सर? और वो भी इलेक्शन के दौरान। हाँ, अभी लोग अभी MP का इलेक्शन है अगले महीने मई में जी, जी। उसके पहले अगर ये हाल होता है जी, जी। तो कौन सेफ है वो बताइए? सलीम सर है जी, उनके अरबाज भाई है, सोहेल भाई है जी, उनसे भी अपना जान पहचान है, अच्छा रिलेशन है जी, जी, जी। मतलब हर वक्त में उन्होंने सभी को मदद किया है जी। कि हम काहे को झूठ बोले कि हमारे पर्सनल जो दोस्त है या मेरे जो सर्कल में उनको मदद नहीं किया है उन्होंने जी, जी। मतलब उनकी फैमिली ऐसी कि हमेशा हेल्प करते हैं जी, जी। तो उनके बाद में और क्या सबूत देने की क्या जरूरत है जी, जी। चाहते हैं क्या कहना चाहेंगे सरकार से जो है? सरकार से तो मैं यही चाहूँगा कि सभी सेफ रहे, क्योंकि लोग अभी डरने लग गए जी। ये जो फायरिंग से कभी किसके ऑफिस में घुस के लोग मार रहे जी, जी। कभी मतलब ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बम्बई एक बोलते सपनों का शहर है जी, जी। इसको किसकी नज़र लग गई है जी, जी। मुझे ऐसा लगता है इसको किसकी नज़र लग गई है जी। और ये जो फायरिंग हो रहा है जितना हो सके गवर्नमेंट इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन ले, क्योंकि ना जाने कभी कुछ गलती से और भी सेलिब्रिटीज है जी। मैं सिर्फ सलमान सर का ही नहीं बोलूँगा, और भी सेलिब्रिटीज है जैसे बच्चन साहब है, अजय देवगन जी है, अक्षय कुमार जी है, आमिर खान साहब है, सलमान खान साहब है, ये क्या नाम है आपका, क्या रणबीर कपूर जी है, ये सब लोग है, बहुत से सेलिब्रिटीज है, उनको भी डर है जी, जी। वो भी तो डरेंगे अगर सलमान के ऊपर हुआ है, सलमान सर पे और किसी पे भी हो सकता है जी। तो एकदम डरे, मतलब शूटिंग में जो पैसा लगाता है जो डायरेक्टर्स है
वो भी तो प्रॉब्लम में आएंगे क्योंकि जरूर। कितना जन की डेट्स कैंसिल होगी। जी जी, जैसे अभी बहुत जन के डेट्स कैंसिल होंगे ये सब देख के। अभी सलमान सर का और जितने हैं जो प्रोजेक्ट्स वो कितने रुक जाएंगे ये सर, सब कहीं ना कहीं सर ये फेमस होने के लिए किया गया है कि इनको टारगेट करेंगे एक बड़े स्टार हैं तो। कौन फेमस होने के लिए, कौन फेमस होने के लिए? सलमान तो फेमस है ही। नहीं नहीं, हाँ वो फेमस रच के ये फायरिंग करवा रहा है घर पे। घटिया है, घटिया घटिया हरकत है ये सब। ये सब चीज से फेमस होना बहुत बेकार बात है, नाम कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए सब नहीं। लेकिन अगर वो पकड़े गए, अभी मैं देखा हूँ टीम में पकड़े गए, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जी जी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और मैं तो यही दुआ करूंगा कि जितने सेलिब्रिटीज़ है, जितने भी सेलिब्रिटीज़ है हमारी फिल्म लाइन के, सब अच्छे से रहे, खुश रहे, अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे। बस यही मेरी शुभकामनाएं है। मैं आमिर दाऊद मुल्ला। इनका कहना यह है कि जो अभी हाल ही में जो ये सलमान खान के यहाँ घर पे फायरिंग हुआ है, ये बहुत ही खतरनाक है। इनके साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ कैसा होगा। कैमरामैन शोएब अख्तर के साथ परवेज अख्तर की रिपोर्ट, GNB News 7। धन्यवाद।